सलामुअलैकुम। अब तलखियों का सामना करने का वक्त है। अब उम्र ख्वाब देखने वाली नहीं रही और मेरी चुप सबको खाए जा रही है। मैं घर में सबसे ज़्यादा बोलती थी, क्यों ना आज कहीं तन्हा बैठ के अपने ज़िंदा होने पर रोया जाए। ए शख्स, अब तो मुझको सभी कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले कोई। लापरवाह वो ज़माने भर का, फिर भी अच्छा लगता है ज़माने भर से। मेहरबानों के बदलते हुए लहजे तौबा, ऐसा लगता है मैं हर बात गलत करती हूँ। मैं बातों से ही जीत लेती हूँ दिल सबका, आम सी लड़की हूँ, हुस्न का चर्चा नहीं करती। मेरा हाल मत पूछिए, कुछ बातें बताने की नहीं होती, बस दुआ कीजिए दुआओं में असर होने तक। दिसंबर आज भी अपने एहसासे साथ लाया है, वही तेवर वही अफसुर्दगी और सर्द सा लहजा। ना कोई वफा काम आई ना कोई जफा काम आई, वक्त जब मुश्किल आया माँ की दुआ काम आई। पता है लफ्ज़ों का इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। माना कि मोहब्बत बुरी नहीं, लेकिन माँ बाप से ज़्यादा ज़रूरी भी तो नहीं। ये ज़िंदगी सिर्फ तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ माँ बाप ने उठाए हुए हों। महबूब एक होता है और एक तकसीम नहीं होता, कौन रोया है कौन सोया है। रात रख लेती है भरम सबका, और किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात ज़रूर जान लिया करो। ये भी अच्छा है कि सिर्फ सुनता है, दिल अगर बोलता तो कयामत होती। मैं आम सी थी, बस एक चांद ने सितारा कर दिया। हाय मोहब्बत, मुझ बेअदब लड़की को शायरा कर दिया। लाख गिर्द अपने हिफाजत की लकीरें खींचो, एक भी उनमें नहीं माँ की दुआओं जैसी।